हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको कमांड प्रॉम्प्ट से आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं सिस्टम पे ये बताऊंगा। यानी कमांड के ज़रिए आईपी एड्रेस सिस्टम पे असाइन करना। सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस करेंगे। इसके लिए आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करें, कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट क्लिक करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। कमांड टाइप करें नेट sh, एंटर प्रेस करें। देन टाइप करें इंटरफेस, एंटर प्रेस करें। आईपी कमांड टाइप करें, एंटर प्रेस करें। देन यहाँ सेट टाइप करके एंटर मार दें। तो सेट एड्रेस, यहाँ पर एक कमांड है सेट एड्रेस, लिखें सेट एड्रेस, एंटर प्रेस करें। तो ये एग्जांपल आपके सामने आ गया है सेट एड्रेस। जो सेट एड्रेस कमांड थी वो पूरी नहीं थी, ये मैंने इसलिए चलाया ताकि ये एग्जाम्पल यहाँ पर शो कर जाए। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ एक, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी, देन यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कमांड पूरी हो गई है। सेट स्पेस एड्रेस स्पेस ब्रैकेट के अंदर लोकल एरिया कनेक्शन। ये लोकल एरिया कनेक्शन एक्चुअली आपके लैंड कार्ड का जो नाम है, ये लोकल एरिया कनेक्शन, ये आपको यहाँ देना होता है। अगर यहाँ पर इसको मैं रिनेम कर देता हूँ, कनेक्शन को मैं अनिल कर दूँ, तो यहाँ पर आपको जो लोकल एरिया कनेक्शन आप देख रहे हैं, लोकल एरिया कनेक्शन, यहाँ पर आपको अनिल करना पड़ेगा। सो अभी मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। लोकल एरिया कनेक्शन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, देन स्पेस देके आपको आईपी एड्रेस स्टैटिक असाइन करना है, तो स्टैटिक, देन आईपी एड्रेस जो सेट करना चाहते हो। इस केस में आईपी एड्रेस मैं बदल देता हूँ एक बार, 20.0.0.1, देन स्पेस सबनेट मास्क। अगर आप डिफॉल्ट गेटवे देना चाहते हैं तो डिफॉल्ट गेटवे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर एंटर करते ही आईपी एड्रेस सेट हो जाएगा। इस कमांड से नेट एसएच इंटरफेस आईपी वर्जन 4 से एग्जिट करते हैं, बाहर आते हैं इंटरफेस मोड से और आईपी चेक करते हैं। आईपी कॉन्फिग के थ्रू आईपी चेक करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लैंड कार्ड है लोकल एरिया कनेक्शन, इसका आईपी एड्रेस 10.0.0.20.0.0.1 सेट हो गया है। आप इसको यहाँ से भी सेट देख सकते हैं। लैंड कार्ड की प्रॉपर्टीज पे डबल क्लिक करें, डिटेल्स पे जाएं, यहाँ आप देख सकते हैं आईपी एड्रेस 20.0.0.1 सेट हो गया है। इस तरीके से आप आईपी एड्रेस को स्टैटिकली सेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग।